Hey guys, welcome back to our channel Daily Into Ins. We hope कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो guys, आज हम reaction देने वाले हैं इश्क मुर्शिद episode 1 के part 2 पर। Part 1 पर हमने react किया था, तो लोगों को काफी अच्छा लगा। लोग कह रहे थे कि आप part 2 भी लाइए जल्दी से। Part 1 में guys बस बिलाल अब्बास की एंट्री थी। हाँ, एंट्री मतलब एंड में जो थी, मतलब बिलाल अब्बास की एंट्री थी। हाँ, यहाँ पे छोड़ा था, तो बस वैसे कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। ये एक अच्छी चीज लगी थी मुझे, मतलब बंदा मिलने जा रहा है, रिच लग रहा है बंदा। चीज है यार, कोई आता है यहां पर? मतलब कोई भी नहीं आता, कोई नहीं आता। अभी मतलब केयर कर रहा बंदा, अच्छी चीज है। इमोशन है ना, काफी गहरा इमोशन जुड़ा हुआ है। रख लिया करो, ये सिर्फ बारिश से नहीं धूप से भी बचाती है। जब भी आते हो दुख ही देते हो। कौन है? पता नहीं। मैं दुख देता हूँ तो? और नहीं तो क्या, इस शक्ल को देख के दुख नहीं होगा तो और क्या होगा? कभी मुस्कुरा भी लिया करो मीरू। यार लाइन बोली और लाइन पे जो रिएक्शन आया है, मुस्कुराने के नाम पर ना वो आंसू टपक रहा है, आंसू टपक रहा है। वो चीज है, क्या सीन था? पापा तो नहीं है? ये बंदा भी रिच लग रहा है, हो सकता है जो लग रहा है पापा ही। मुझे मतलब कोई शर्म नहीं है भाई। वो साइकिल भी ऐसी नहीं दिखाई। हाँ, वो एटलस की। हाँ, एटलस की साइकिल दिखाई है यार, क्या चीज दिखा दी यार। थोड़ी वैसी भी दिखा सकते जैसे बाइक वगैरह कुछ ऐसी, इंडिया में अगर होती तो वो तो फैट बाइक हो सकता था। हाँ, क्या मतलब नहीं मिल रहा? जी सर, वो ढूंढ रहे हैं, जैसे मिलता है आपको बताता हूँ। भैया टमाटर कैसे दिए? 80 रुपए। 50 दूंगी। भले। इसके 30 दूंगी। भले। इसके 20 दूंगी। भले। हरी मिर्ची भी डालिएगा, महंगी है लेकिन दे दूंगा, कोई बात नहीं। ये हरी मिर्ची ले, 100। फिल्म की शूट नहीं कर रहे हो? कहाँ है कैमरा? समझी तो नहीं लोगे, फिल्मों में जा
खूबसूरत हो, नहीं तो ड्रामों में तुम्हें उठा लेंगे, हीरो लग रहे हो। कहाँ से आए हो? यहाँ क्या नहीं लग रहा? यूके। मैं भी यूके। उमरकोट। भले। भैया यहाँ यहाँ जैसे उत्तराखंड। छोड़ हुए, बहुत बड़ा छोड़ हुए, यूके। हम आज पढ़ेंगे दरिया के बारे में। क्या मैंने कल सिखाया था? नेकी कर दरिया में डाल। इसका क्या मतलब होता है? यहाँ पे दिखाते हैं चाचा, प्लीज हुक्का ना पिए, यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। ये गलत चीज है, इसको नहीं देख के अडॉप्ट करना, ठीक है? तरीका है, पप्पो। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ है मेरे भाई? ला ला मैं कुर्बान, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। अरे रास्ता तो धोना भाभी जान, अल्लाह मैं इतनी फिक्रमंद हो रही थी। अरे तुम कहाँ बैठ रहे हो? जरा खड़े रहो, एक मिनट खड़े रहो। या अल्लाह मेरे भाई को जिंदगी दे, सेहत अपनी अमान में रखना। ये लो पकड़ो, ये लो 50 रुपए सदके के दे के, और जल्दी से अभी पकड़ो। बेटा बैठ, दिल कट रहा है मेरा ये सिर्फ 50 रुपए का सदका देते हुए। यकीन करें अमीर होती ना तो इस 50 रुपए की बजाय 50,000 रुपए अपने भाई के ऊपर से यूं मार के फेंक देती। अस्सलाम वालेकुम पप्पो जान। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। दरअसल अम्मी के कहने का मतलब है कि वो पूरी रात बहुत फिक्रमंद रही है, बल्कि वो तो हॉस्पिटल भी आना चाह रही थी, लेकिन बस। बेटा जानता हूँ मैं, पता है मुझे। और मैं अस्पताल में एक मिनट इंतजार किए बगैर भागी चली आई आपके पास। इसी भागम दौड़ में ना जूती टूट गई है मेरी। अरे दिखाओ ना मामू को जूती मेरी, टूटी कहाँ से है? बड़ी बात है, माँ की जूती है, क्या हो गया? बेटा बैठो। अरे बड़े नहीं,
यार देख ली हम यहाँ से बस कर दो बेटा बैठ जाओ क्या हो गया नरगिस तुम्हारा भाई नई चप्पल तो ले ही देगा तुम्हें बस अल्लाह तुम्हारा ये प्यार और मोहब्बत मेरे लिए कायम रखे आमीन 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 क्या चीज दिखाई है मतलब भाई दिमाग खराब हो जा रहा है यार मैं आपको अपना दिल चीर के नहीं दिखा सकती सारी रात खून के आंसू रोता रहे पता इसे भी है बल्कि मैंने तो मन्नत बांध ली थी कि जब तक कोई खैर की खबर नहीं सुनूंगी तस्बीह पे हाथ फेरना नहीं छोड़ूंगी मैं अम्मी तस्बीह हाँ तस्बीह तस्बीह फुप्पो जान फुप्पो वो आपकी सारी मन्नतें और मुरादें तस्बीहों से ही पूरी होती हैं तो मैं सोच रही थी आप एक तस्बीह जुहेब के लिए भी मांग ले उसकी नौकरी लग जाएगी ना है चुप करो शिप्रा अब सुख है ना जाओ फुप्पो के लिए चाय लेकर आओ और कुछ खाने को भी लेकर आओ कॉल आ रही है जाओ जाओ फुप्पो सूप पियेंगी कमाल बातें करती हो तुम मुझे भारतीय से खाए जा रही हो तुम गहरी हो सूप पियेंगी शरबत शिप्रा चाय आ रही है ना मजे लिए जाते हैं कुछ नहीं होता सुनो अभी तक नाराज हो तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है पता है कितने कॉल्स किए हैं पूरी रात एक कॉल उठा लेता बंदा मेरे पूरे खानदान वालों के सामने मेरा भरम तोड़ दिया तुमने भरम जरूर तोड़ा होगा लेकिन तुमसे झूठ बोलकर तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ सकता तुम जानती हो नानों की नेचर कैसी उनसे आज तक कौन जीता है अच्छा तो जाओ पे जाके अम्मी के बगल में यहाँ पे खड़े क्या कर रहे हो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ गुड क्वेश्चन यहाँ मैं अपनी एक अदद प्यारी खूबसूरत थोड़ी सी नाराज बीवी को मनाने आए विश मी लव नाराज बीवी अच्छा चलो बस कर दो यार सुकेना कितना नाराज होगी मिजाजी खुदा को एटीट्यूड क्या हुआ कुछ नहीं दिखाओ सही है सही दिखाओ ज्यादा दर्द हो रहा है हाँ ना लेकिन यहाँ पे नहीं यहाँ पे फिर ट्राई करता सुकेना आई एम रियली सॉरी मुझे ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था प्लीज मुझे माफ कर दो जब तुम फुप्पो को नहीं मनाओगे मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा तुम अच्छी तरह जानते हो बाबा कभी भी सिफारिश के लिए नहीं मानते और तुम्हें अच्छी तरह मामा की नेचर का भी पता है अरे मामू जान नहीं जॉब लगा के देंगे तो मामा रुखसती के लिए नहीं मानेगी हम कभी एक नहीं हो रहे तुम क्यों नहीं समझती मुझे समझाओ मैं क्या करूँ स्टोरी तो लग रही है नहीं स्टोरी तो है मतलब आगे मतलब कंटिन्यू करा तो पता चला कि क्या है इसमें तो मजा तो आ रहा है यार इसमें कॉमेडी कैरेक्टर भी है पुप्पू हाँ ठीक है और एक अलग मतलब एंगल चल रहा है मतलब उनका हाँ दूरेशा की बहन है शायद हाँ पुप्पू का जो बेटा है मामू पुप्पू का जो भी है एक अलग चल रहा है उनका सही चल रहा है अरे और बिलाल अब्बास मतलब फैमिली भी दिखाई है इसमें फैमिली भी दिखाई है और मतलब उसके बाद जो हुआ है ना जहाँ पे हमने छोड़ा था उसके बाद काफी कुछ दिखाया मतलब हाँ दूरे फिशा की भी एंट्री भी है वहां पे पीछे से वो पढ़ाने जाती हैं बच्चों को तो काफी मतलब बढ़िया है अभी तो मतलब स्टोरी और आगे बच रही है अभी तक वो दोनों मिले नहीं है ठीक है तो ये देखने वाली चीज होगी कि जब वो मिलते हैं तो क्या स्टोरी चलती है मतलब पार्ट वन है तो पार्ट वन पार्ट टू हमने खत्म कर दिया गाइस कंटिन्यू करेंगे पार्ट थ्री पे बिल्कुल गाइस अभी तक तो मतलब मजा आ रहा है स्टोरी सही चल रही है स्टोरी काफी अच्छी चल रही है मजा आ रहा है तो गाइस आप लोग बताइए पार्ट टू आप लोगों को कैसा लगा आप लोग प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बेल आइकन को दबाना मत भूलना गाइस जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे